हेलो गाइस, अब देखो आरवीएनएल, आईआरएफसी, ये जब छोटे शेयर्स थे, अब ये बहुत तगड़े रिटर्न्स आ गए। ये एक थीम प्ले हो गई रेलवे की। ऐसी ही एक थीम मेरे सामने है जो आगे आने वाले टाइम में प्ले हो सकती है, वो है फर्टिलाइजर एंड केमिकल थीम। उसमें से हम एक ब्रेकआउट वाले स्टॉक लाए, दो दो ब्रेकआउट वाले स्टॉक लाए हैं। बहुत अच्छे स्ट्रक्चर है, इसमें आप नजर रख सकते हो। अब देखो, पहला स्टॉक ये है जिसकी कीमत है 14 रुपीज़। यहाँ मेजोरिटी स्टेक होल्डर प्रमोटर है, 57.13% यहाँ पे प्रमोटर होल्ड करते। यहाँ देखो एफआईआई ने 0.6 कर लिया, मतलब 0.5 था 0.6 कर लिया है। डीआईज ने 0.6 था 0.8 कर लिया, मतलब एफआईआई ने थोड़ा थोड़ा खरीदा है और पब्लिक ने थोड़ा सा बेचा है। मतलब पब्लिक ने जो बेचा है वो एफआईआई डीआईज ने खरीदा, प्रमोटर तो अपनी हिस्सेदारी स्टेबल रख रहे। अब प्रमोटर, इनके प्रमोटर देखो कौन है, गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश और अम्बिका मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है, ये आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से चल सकती है और यहाँ से ये डबल तक का टारगेट आपको इजीली अचीव करके दे सकती है। अब देखो कंपनी के मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में हम देखते हैं कि सितंबर क्वार्टर में, सॉरी, हाँ यहाँ देखो मार्च में इनका 2,882 करोड़ का एक्सपेंसेस था, ये बढ़ के हो गया 6,238 करोड़ का। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 190 करोड़ था माइनस, जो कि -595 है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक्सपेंसेस के इसमें तो ये नेगेटिव है, बट सेल्स देखो 2,692 करोड़ से बढ़ के 5,642 करोड़, तो सेल्स इनके बढ़े हैं। अब हम आ जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। अब देखो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जहाँ क्वार्टरली आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रहे थे -698, -683, वहाँ पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ -10। तो ये मैसिव में ग्रोथ बोलूँगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका जो -700 करोड़ था, वो -10 करोड़ ही रहा। मतलब कंपनी आने वाले क्वार्टर में आप पॉजिटिव में भी आ सकती है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। सेप्टेम्बर क्वार्टर में कंपनी के जो ओपीएम थे ये नेगेटिव थे 64, वो -1% रह गए सितंबर 23 में। तो ये पॉजिटिव बात है और चार्ट पे ये मुझे स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। कंपनी देखो 50 डीएमए और अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करे, 50 डीएमए एंड 200 डीएमए को क्रॉस किया, फिर इसमें तेजी बनी। तो ये एक कंपनी है जिस पे आप अच्छे से नजर रख सकते हो। अब इसकी बुक वैल्यू नेगेटिव है, कंपनी का नाम है नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल। ये फर्टिलाइजर थीम का ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें रिजल्ट्स तो भी अच्छे नहीं है, बट ये चार्ट पे मुझे अच्छा लग रहा। क्यों, यहाँ देखो बहुत लंबा कंसोलिडेशन रहा है, इसमें बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन रहा है और अब ये इसमें से एक यू पैटर्न का ब्रेकआउट देके चल रहा है। वन डे चार्ट पे ये बीते ट्रेडिंग सेशन में अपर सर्किट पे लगा है, यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली अपर सर्किट लगा है और ऊपर। अब ऊपर हम कितना इसे टारगेट के लिए रख सकते हैं, तो यहाँ से डबल, मतलब 28 तक, या फिर बेस्ट टारगेट मैं बोलूँगा 6 रुपीज़ ऊपर भी आपने रखा, ये जो लेवल है 19 से 20 के बीच वाला, यहाँ भी रख सकते हैं। इसके अगेंस्ट आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 1 रुपए का है, इसके नीचे रखना है स्टॉप लॉस 12 रुपए के आसपास, 12-13 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखना है, ऊपर टारगेट 20 रुपए का रखना है। तो 6 रुपए भी बहुत अच्छा टारगेट होता है क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। कोई बोलेगा अभी इतने से टारगेट के लिए क्या करें, समझो किसी ने 1,000 शेयर ले लिए, 1,000 शेयर में 1,000 की रिस्क और 6,000 प्रॉफिट आ गया, तो ये पॉसिबिलिटी होती है 6,000 प्रॉफिट होगा, 1,000 रुपये की रिस्क हो गई। ऐसे प्ले किया जाता है इन छोटे शेयरों को। तो पहला हमारा स्टॉक है नागार्जुन फर्टिलाइजर, जिस पे आपको नजर रखनी, ये आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है। और यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है ये एक नेगेटिव है, यहाँ पे प्लेजिंग 49% है। तो ये एक स्टॉक है, इस पे आप नजर रख सकते हो। अब इस लिस्ट में हमारा सेकेंड स्टॉक है पैरादीप फॉस्फेट। इसका चार्ट तो मतलब बहुत सही है, जिसने ब्रेकआउट दे दिया है अपने ऑल टाइम, अभी 52 भी खाई पे चल रहा है। और देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसकी सबसे मेन बात, इसे एक ये जो रेजिस्टेंस था इसे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। आप देखो ये लेवल पे इसने बहुत बार रेजिस्टेंस लिया, ये लेवल पे आसपास आया रिजेक्शन लिया, इसके आसपास आया रिजेक्शन लिया, थोड़ा ब्रेकआउट दिया तो रिजेक्शन ले रहा था। फाइनली इसने यहाँ एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, तो ये
हो गया, फिर ये ऊपर चला, फिर इसने एक रीटेस्ट किया, ठीक है, यहाँ रीटेस्ट करने के बाद इसमें फिर से बाइंग आके ऊपर जा रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कहलाता है। हमेशा रीटेस्ट होने के बाद जब भी शेयर ऊपर जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। और इसमें इसमें अभी मेरे टारगेट क्या, तो मैं आपको बताऊं, अब अगर मैं फिबोनाची भी लगाता हूँ तो फिबोनाची के हिसाब से भी इसमें टारगेट 120 रुपीज तक आ सकते हैं। 120 का टारगेट इसमें फर्स्ट बैठ रहा है। बॉटम से टॉप तक अगर फिबोनाची लगाते हैं तो ऊपर के टारगेट अगर आप देखोगे तो देखो, फर्स्ट टारगेट मेरा यही होगा 120 के आसपास, या 110 120 के आसपास ही हमारा इसमें टारगेट होगा जो कि यहां से आ सकता है। ये देखो 113 और फिर 150, 113 और 150 के टारगेट के लिए आप इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हो। पैराडी फॉस्फेट, अब पैराडी फॉस्फेट की मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले दिखाता हूँ। पैराडी फॉस्फेट उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही सही है, बहुत स्ट्रांग कहूंगा मैं। यहाँ 56% प्रमोटर होल्ड करते हैं, मतलब मेजोरिटी स्टेक होल्डर यहाँ पे प्रमोटर हो गया। FIS 5% और DIS 22%। अब DIIs में देखो, DIIs में कौन कौन है, DIIs इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है, SBI म्यूचुअल फंड, LIC, निपॉन, DSP, ICICI, मिरर एसेट, मिरर एसेट इक्विटी फंड, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, HDFC ट्रस्ट, टाटा म्यूचुअल स्मॉल कैप फंड, टाटा इक्विटी PE फंड, तो बहुत सारे फंड्स के पास इसका माल है। तो इससे ये जो फंड है ये शेयर को गिरने नहीं देंगे, और मेरे हिसाब से ये आने वाले टाइम में हमें आराम से 3 डिजिट में जाते हुए देखने मिलेगा। 3 डिजिट तो अभी चला जाएगा, पर ऊपर के टारगेट मतलब 200 तक भी ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसमें अगर ब्रेकआउट आ गया, अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो गए तो ये बहुत तगड़ा चलेगा और फिर ये हाथ में नहीं आएगा। तो इसे होल्ड करना है हमें, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है पैराडी फॉस्फेट, इसे होल्ड करना है लंबे अवधि के लिए। अब ये जो लेवल है, सॉरी ये जो लेवल है 83 का, 83 निकाल दिया तो फिर 100 तो इसमें तुरंत आ जाएगा, और ये जो फर्टिलाइजर थीम है अभी ये प्ले करेगी, क्योंकि रेलवे थीम तो प्ले हो चुकी है, अब बची फर्टिलाइजर। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये शेयर हमें अच्छे रिटर्न देगा, और यहाँ प्लेजिंग का भी कुछ टेंशन नहीं, देखो नो प्लेजिंग इश्यूज, नथिंग एट ऑल, म्यूचुअल फंड ये सब होल्ड कर, रिटेल 11% है इसमें सिर्फ, तो अच्छा शेयर है, इसे भी लॉन्ग टर्म हम रख सकते हैं। और रही बात इनके, मैं आपको एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा देता हूँ। देखो नेगेटिव 39 था जून में, जो कि बढ़ के 256 करोड़ पॉजिटिव हो गया। ये बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट कहूंगा मैं, कि पॉजिटिव कंपनी ने क्वार्टर दे दिया। ओपीएम नेगेटिव थे, इसके ओपीएम 7% हो गए, तो ओपीएम में हमें अच्छा खासा ये दिखा, प्रॉफिट में ग्रोथ दिखी, तो कंपनी अच्छी ओवरऑल, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। डेबिटर इनके बढ़े 74 से 101, ये एक नेगेटिव है, पर मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है। और यहां भी इसने भी देखो, यहां ब्रेकआउट किया, इसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर रहा, तो ऐसे इसे प्ले करना है ना। तो पैराडी फॉस्फेट और नागार्जुन फर्टिलाइजर, इस पे आप नजर रख सकते हो। इसके साथ साथ और भी चार्ट है, वो मैं आगे आने वीडियो में कवर करूंगा।